आज हम एक पोर्ट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सरकारी कंपनी थी लेकिन अब वो प्राइवेट कंपनी है। 1992 में इस पोर्ट कंपनी की शुरुआत हुई और गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने इसकी शुरुआत की थी एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर। और बाद में ऐसा हुआ 2001 में एपीएम मॉरिसस करके कंपनी थी, उसने इसको एक्वायर किया लगभग 13% का स्टेक और 2005 तक उसने लगभग पूरा स्टेक एक्वायर कर लिया। और एपीएम मॉरिसस एपीएम मॉलर मार्क्सेक ग्रुप की कंपनी है। आपने मार्क्स करके नाम जरूर देखा होगा, कई सारे कंटेनर में इसका नाम लिखा रहता है। जो एपी मॉलर मार्क्सेक कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके पूरे 5 कंटिनेंट के अंदर में इसके पोर्ट्स हैं, लगभग 74 पोर्ट्स ये डेवलप कर चुकी है और पूरे के पूरे वर्ल्ड के सी के नेटवर्क पे इनका एक तरफा राज है। और ये जो पोर्ट लोकेटेड है ना, वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड लाइन पे रूट पे लोकेटेड है और ये सब जगह से कनेक्ट होता है, यूएस से कनेक्ट होता है, यूरोप से कनेक्ट होता है, अफ्रीका से कनेक्ट होता है, मिडल ईस्ट से कनेक्ट होता है, इवन इंडिया के अंदर में आप इधर से उधर जाना हो तो इसके थ्रू जा सकते हैं। और बहुत सस्ता पड़ता है ये वाला, कॉस्टिंग जो इसकी होती है ना बहुत सस्ती पड़ती है। आप एयर से जाओ बहुत महंगा पड़ेगा, ट्रेन से जाओ महंगा पड़ेगा, बस से जाओ ट्रक से जाओ सबसे महंगा पड़ेगा, सबसे सस्ता इसी से पड़ता है। इस कंपनी का नाम है गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड और ये जीएमबी द्वारा डेवलप की गई है और जीएमबी ने लगभग 44 पोर्ट्स डेवलप किए हैं। इन्होंने अदानी पोर्ट को भी डेवलप किया था, बाद में हैंडओवर कर दिया गया, 1998 में अदानी पोर्ट को हैंडओवर कर दिया गया। और ये गुजरात पिपावाव पोर्ट 2010 में अपने नया आईपीओ लेके आई थी और ये आईपीओ लगभग 19 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, 46 का भाव पे इसकी फाइनल बिडिंग हुई थी और 56 के भाव पे लगभग लिस्ट हुआ था और अभी इसका भाव लगभग 210-212 के पास में चल रहा है। 2015 में लगभग ये भाव इसने पहले दिखाए थे लेकिन उसके बाद में ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। और इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी फंडामेंटल्स बहुत ही साउंड है। लगभग इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इसके सेल्स में तो अच्छी ग्रोथ है ही, नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना वो लगभग 20 से 40% के बीच में, 20 से 40% के बीच में है। इतनी जबरदस्त नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यही सेम टू सेम अदानी पोर्ट के साथ में उसकी लगभग 30% के आसपास, 30 से 35% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और इसी सेक्टर की एक और कंपनी है, तीन ही कंपनी है इसमें, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये भी प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, इसके भी कई सारे पोर्ट है इंडिया के अंदर में और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंटेनर तो ट्रांसपोर्ट करते ही है, साथ साथ में एलपीजी का भी ट्रांसपोर्टेशन और इसको एलपीजी को भी पहुंचाना, ये सारे काम भी ये करती है। और ये वेल कनेक्टेड है वाया रेलवे और वेस्टर्न कॉरिडोर के अंदर में ये जुड़ जाती है, उसके कारण इसकी जो पहुंच है वो पूरे पैन, मतलब एक तरफ से पूरा वेस्ट कनेक्टेड हो जाता है। ये ईस्टर्न घाट से भी, ईस्टर्न पोर्ट से भी सारे किसे कनेक्टेड है, जैसे चेन्नई हो गया आपका, कोलकाता हो गया, फिर आपका विशाखापट्टनम हो गया, इन सबसे वेल कनेक्टेड है। बस एक 2021 में एक साइक्लोन हिट हुआ था, इसके कारण थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन इसके ऑपरेशंस में आया था और अभी ये सब चीज सही हो चुकी है, अभी ये एकदम अच्छे तरह से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। साइक्लोन के ऊपर में किसी का कंट्रोल नहीं होता है, नेचुरल कैलामिटी होती है, उसके कारण थोड़ा इंपैक्ट पड़ा था लेकिन अभी एकदम स्मूथली रन कर रहा है ये पोर्ट। 2011 में इसका लगभग 700 करोड़ का खर्चा था और उसको इसने रिड्यूस किया धीरे धीरे और जीरो पे लेके आ गई है, लगभग 88 करोड़ के आसपास आज इसका कर्जा है। और जहां तक मार्केट कैप की बात की जाए तो सबसे लोएस्ट मार्केट कैप इन तीनों प्राइवेट कंपनीज के बीच में इसी का है, लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कम नहीं है भाई लेकिन अच्छा है। इसकी प्राइस टू अर्निंग लगभग 27 के पास में काम कर रही है और इसकी डिविडेंड यील्ड लगभग 3% के पास में, 3% का डिविडेंड ये दे देती है कंपनी। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अगर डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक भी कीजिए, अगर गड़बड़ लग रही हो जानकारी या कुछ मैंने मिस्टेक किया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।